नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा में जो हमारे फंड्स रहते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंड्स इन न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा हम बात करेंगे आज। मैं जगशीर शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपने फाइल लगा दी है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने वीडियो अपनी फाइल लगानी है फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो मैं चाहता हूँ कि आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, ठीक है जी। और आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें हमारे वीडियोस पे, ठीक है जी, अगर आपको अच्छी लगती हैं। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंड्स, फंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो में हम बात करेंगे। और फंड्स कितने दिखाने चाहिए हमें, कितने दिखाने नहीं चाहिए, क्या वो लिक्विड होना चाहिए, क्या वो एफडी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर हम सोलो ट्रैवलर हैं, अगर हम एक बंदा ही ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए जो फंड रहने चाहिए वो कम से कम 8 से 10 लाख आपके फंड रहने चाहिए। तो 8 से 10 लाख आपके फंड रहने चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप चाहे लिक्विड में दिखाएं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में दिखाएं, चाहे एफडी के रूप में दिखाएं, ये फंड आपको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है जी। दूसरी, अगर आप दो बंदे ट्रेवल कर रहे हो तो आपके जो फंड होने चाहिए वो 10 से 15 लाख होने चाहिए आपके फंड, ठीक है जी। 14 लाख 15 लाख आपने फंड पक्का खाने हैं, क्योंकि लॉजिकली हमें सोचना होगा, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हम इंडियंस हैं वो हम बिलीव करते हैं मैजिक में, बट जो फॉरनर्स हैं एम्बेसी में वीजा ऑफिसर्स बैठे हैं वो बिलीव करते हैं लॉजिक में। तो लॉजिक के हिसाब से हमें देखना होगा कि फंड्स की जरूरत हमें कितनी पड़ सकती है। देखो अगर एक बंदा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड जाने की एक तरफ की टिकट 1.25 लाख की होती है, वापस आने की भी 1.25 लाख की हो जाएगी। तो मीन्स 2 से 2.5 लाख आपका टिकट का खर्चा आ गया, 2 लाख आपका खर्चा आ जाएगा होटल का, 2 लाख आपका खर्चा आ जाएगा घूमने का, खाने का, पीने का, 6 से 7 लाख आपका एक टूर का खर्चा है। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए अगर आप फाइल लगा रहे हो एक बंदा, तो आपको 8 से 10 लाख फंड मिनिमम शो करने पड़ेंगे, शो करने चाहिए। फर्दर मोर मैं बात करूंगा, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, अगर आप 4 बंदे हो या 5 बंदे हो, तो आपके फंड होने चाहिए 20 और 25 से अबव होने चाहिए अगर आप 4 बंदे ट्रेवल कर रहे हो। ये कोई मायने नहीं रखता कि फंड आपके एफडी के रूप में है या फिर लिक्विड के रूप में है या म्यूचुअल फंड्स के रूप में है, इसका कोई मैटर नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में अपने फंड जो है वीजा ऑफिसर को दिखा सकते हो। ये वीडियो थी हमारी फंड्स के रिलेटेड, आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है आप कभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है। आप कभी भी हमारे साथ बात कर सकते हो रात को 10 बजे तक, और इवन संडे को भी हम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है जी।